हेलो एंड वेलकम टू दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म इन टू डिस क्लास वी आर डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन अवर डेली लाइफ एक्चुअली आप बिगनिंग में एकदम से इंग्लिश लैंग्वेज को पूरा कैच नहीं कर सकते कि आप पहले दिन से ही फराटेदार इंग्लिश बोलने लग जाएं. बट जो बिल्कुल जो बिल्कुल बिगनर्स हैं जिनको अभी बिल्कुल वर्ड्स से शुरू करना है तो जब तक आप इन वर्ड्स के साथ शुरुआत नहीं करेंगे तब तक आप इस कल्चर में अपने आप को फिट महसूस नहीं करेंगे बिकॉज एकदम से हिंदी बोलते बोलते और इंग्लिश पे शिफ्ट कर जाना वो एक दिन का गेम नहीं है उससे पहले आपको शुरुआत करनी होगी बिल्कुल फ्रैक्चर्स में बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि अब जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप आज से ही डेली लाइफ में यूज करना शुरू कर दो जैसे जैसे आप इन वर्ड्स को लाइफ में आप इंक्लूड करते जाओगे धीरे धीरे आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब एक नेचुरल स्पीकर बन चुके हो फॉर एग्जाम्पल सब लोग इन वर्ड्स को डेली लाइफ में जो लोग पढ़े लिखे हैं वो भी जो लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है वो भी इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्जी बेचने वाला भी सॉरी वर्ड को यूज़ करता है ठीक है और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है मैं सबकी बात नहीं कर रहा तो हर व्यक्ति इन सॉरी को थैंक्स को इन वर्ड्स को यूज़ करता है डिफरेंस क्या है डिफरेंस ये है कि आप क्या उन वर्ड्स को समझ के फील कर रहे हैं या मतलब सॉरी समझ के उनको यूज़ कर रहे हैं या फील कर रहे हैं उनको और उनका एक्चुअल यूज़ है वो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे दूसरा क्या आप उनको अप्रोप्रिएटली यूज कर रहे हैं जैसे मैं बिल्कुल कॉमन वर्ड से शुरुआत कर रहा हूं जैसे सॉरी है फॉर एग्जाम्पल सॉरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एक्चुअली सॉरी दो सेंस में यूज होता है पहला सेंस तो यह है कि आप सीधा सीधा बोल रहे हैं आपने आपसे कोई गलती हो गई और आपने बोलती है सॉरी यानी कि आप क्या कह रहे चाह रहे हैं कि मुझे माफ कर दो आप ठीक है और दूसरा सेंस है जब आपको होता है खेद हिंदी में एक वर्ड होता है खेद फॉर एग्जाम्पल आपने किससे पूछा वट अबाउट योर फादर आपके पिताजी के बारे में कुछ बताइए फिर ऐसा पूछते हैं कि वट फादर आपके फादर क्या हैं या क्या करते हैं और सामने वाला बोलता है कि माई फादर इज नो मोर कि मेरे पिताजी दुनिया में नहीं है हम उस केस में भी बोलते हैं आई एम सॉरी उस केस में क्यों बोलते हैं हम आई एम सॉरी बिकॉज ऐसा नहीं कि आपने उनके पिताजी को मतलब मार दिया या आपके आपने उनके पिताजी को कुछ कर दिया सो आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं ठीक है उस केस में होता है सॉरी का यूज कि मुझे बड़ा खेद है मुझे ये सुनकर दुख हुआ कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो उस केस में भी सॉरी का यूज़ करते हैं तो इस केस को आप और भी बहुत सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दूसरा यूज हुआ जब आपको रियली में कोई गलती आपसे हुई और आप उसके लिए कहना चाह रहे हैं आई एम सॉरी ठीक है या फिर आप सीधे सीधे जो हम बिल्कुल इंडियन कॉन्टेक्स में हम यूज़ करते हैं कुछ हल्की सी गलती हुई सॉरी ठीक है ये तरीका हुआ अब बात आती है कि सॉरी के ये दो तरीके तो ठीक है और क्या ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं जैसे थैंक्स है एक तो हो गया बिल्कुल सिंपल थैंक यू बात खत्म दूसरा हो गया थैंक्स लोग ये भी बोलते हैं ये भी बड़ा शॉर्ट सा है यहां भी बात खत्म तीसरा हो गया थैंक यू फॉर गिविंग मी योर पैन अब ये भी बहुत छोटा सा है हम कैसे यूज कर सकते हैं सपोज आपने किसी से एक पेन मांगा ठीक है और मांगने के जो तरीके हैं वो आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे किसी से कोई छोटी चीज के लिए हम कहते हैं कैसे उसको हम मांगते हैं आपने बोला थैंक्स फॉर गिविंग मी योर पैन और हम ऐसे भी बोल सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी योर पेन ठीक है या किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू फॉर योर एडवाइस है ना आपके एडवाइस की आपकी सलाह के लिए धन्यवाद ऐसे बोल सकते हैं अब बात आती है कि हम दो तरीके से बोलते हैं अपना थैंक यू एक ही तरीका है बोलने का एक हो गया आप प्रॉपर उसको फील करके बोल रहे हैं थैंक यू मतलब आप कह रहे हैं धन्यवाद एक होता है सॉरी हल्के सी गलती हुई सॉरी जैसा ऐसा लगता है सॉरी भी बोल रहे हैं और उसको उल्टा उसको और हम क्या कर रहे हैं हम उसको और ज्यादा इस चीज के लेके ऐसा लग रहा है एहसान कर रहे हैं सॉरी बोल के तो ये जो तरीका है बोलने का ये बड़ा रॉन्ग है इंग्लिश स्पीकिंग में आपको सॉरी बोलना है तो प्रॉपर सॉरी बोले कि आई एम सॉरी अगर आपने ज़्यादा कुछ बड़ी गलती की तो हम बोलते हैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी है ना सेम वे ये तो हो गया सॉरी एक एक्सक्यूज मी एक वर्ड है जो आपने मूवीज में सीरियल्स में आप बहुत ज्यादा सुनते हैं अब एक्सक्यूज मी का एक्चुअल यूज क्या है अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सक्यूज मी को आप ये मान के चलो कि दिन में आपको दस बार यूज करना ही करना है ये एक टैबलेट की तरह आप इसको समझो कि ये टैबलेट आपको टेन टाइम्स लेनी है अब आप बोलोगे कि कहाँ ऐसे बिना बात थोड़ी यूज कर देंगे एक्सक्यूज मी को एक्सक्यूज मी जो वर्ड है इसका वैसे मतलब होता है माफ कीजिएगा ठीक है लेकिन एक्सक्यूज मी का हम जो यूज करते हैं वो यूज है एक्चुअल में जब भी आप कभी किसी भी व्यक्ति को कहीं भी किसी भी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा सा भी उस समय आपको नहीं बोलना ही बोलना है फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में हैं आप वेजिटेबल्स ख़रीद रहे हैं ठीक है अब बराबर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है आप दूसरे वाले आपका हैंड कहीं रीच नहीं हो रहा है नहीं पहुंच रहा है किसी सब्जी तक और आप उसको लेना चाह रहे हैं आप वो व्यक्ति आपके पास में खड़ा है ठीक है आपको उस समय भी एक्सक्यूज मी आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी अब वहां पे आप पूरा ये नहीं बोलो गेट असाइड आप दूर हो जाओ आप साइड हो जाओ प्लीज बी साइड वो एक्सक्यूज मी भी आपका वहाँ काम करेगा अब आपने कितनी बड़ी बात को एक वर्ड में निपटा दिया और एक वर्ड ही आपकी इमेज क्रिएशन का काम करेगा आपने एक बार बोला एक्सक्यूज मी प्लीज आप टिकट काउंटर पे हैं आप रिजर्वेशन काउंटर पे हैं ठीक है आप फॉर्म के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं और आगे ऑलरेडी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि लाइन में नहीं है लेकिन आप के और काउंटर के बीच में हैं, हैं, हैं। तो देखिए आप, आप दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब कर रहे हैं हल्का सा इसीलिए हम एक्सक्यूज में यूज कर रहे हैं अब एक्सक्यूज में बोलने के भी देखो टोन्स होती हैं ऐसा नहीं है इसका पिच होती है ऐसा नहीं है, है, कि ऐसा नहीं है। हर जगह आप सीधा बोलोगे एक्सक्यूज में बोलोगे तो लगेगा कि आप डिस्टर्ब करने के लिए माफ़ी मांग रहे हो या फिर आप और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो इस वर्ड को बोल के ओके फॉर एग्जाम्पल आप चार लोगों में बैठे हुए हो ठीक है और वहां आपको छींक आ जाती है या आप मीटिंग में हो आपको छीक आ जाती है अब आप एक्सक्यूज में बोलने की जो आपकी पिच पिच का मतलब जो आपकी वॉइस का जो मॉड्यूलेशन है जो वॉइस का आपकी पिच है जो आपकी वॉइस की यू नो पावर है कितनी पावर से आप बोल रहे हो कितनी तेज उसको बोल रहे हो उसका लेवल क्या होगा डाउन होगा ऑलरेडी मीटिंग में हो आप ऑलरेडी आपने छींक के डिस्टर्ब किया है सबको अब आप एक्सक्यूज मी बोलना चाह रहे हो अब एक्सक्यूज मी उस समय स्लो बोलोगे एक्सक्यूज मी प्लीज बस सबको हल्का सुन जाए जरूरी नहीं अब आप वहाँ पे पहले तो आप क्या कर रहे हो आपने छींक के सबको डिस्टर्ब किया फिर आप बोलो एक्सक्यूज मी तो फिर से सब लोग आपके फेस की तरफ देखेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा कॉमिक हो जाएगा वाट माई पॉइंट्स दूसरा सपोज आप एक पार्टी में हो ठीक है और पार्टी में आप लोग सपोज एक सर्कल में एक मतलब एक ऐसा घेरा बना के खड़े हुए हैं और आपको पीछे से निकल के जाना है ठीक है और जगह थोड़ी कम है आपको को ऐसा लग रहा है कि शायद आप टच हो जाओ या किसी को डिस्टर्ब कर दो उस समय भी आप क्या प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी हल्के से बोलोगे वहाँ भी ये नहीं है कि अब वो लोग ऑलरेडी अपने बात कर रहे हैं और आप जाके बोलो कि मैंने तो इंग्लिश सीखी और आज मैं आज यूज़ कर दूंगा इसको और आप जाके बोलो एक्सक्यूज़ मी तो लोग वो डिस्टर्ब और ज़्यादा आप उनको कर दोगे वो आपकी तरफ और देखेंगे तेज आवाज में बोलोगे तो तो यहाँ भी आपको टोन कैसी रखनी है लो टोन रखनी है आपकी आवाज़ डाउन रखनी है एक्सक्यूज मी बोलते समय अब तेज़ कहाँ यूज़ करनी है सपोज़ कोई पर्सन है जो आगे जा रहा है आपको उनको बोलना है तब आप एक्सक्यूजमी धीरे से बोलोग सुनेंगे नहीं तब आपको प्रॉपर अटेंशन लेनी है आपको यूज़ उसीलिए कर रहे हैं आप कि माफ़ कीजिएगा आप मुझे सुनो एक बार ठीक है तब आप बोलोगे एक्सक्यूज मी प्लीज़ उस समय आप फुल टॉर्न में उसको बोलोगे फुल टॉन में मतलब चीखना नहीं है ईयल नहीं करना है ईयल का मतलब होता है गले से चीखना ईयल नहीं करना है आपको क्या करना है नॉर्मल थोड़ा तेज में बोलना है एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी मैम उस केस में आपको एक्सक्यूजमी का यूज़ ऐसे करना है तो ये था कि हम वर्ड्स को देखो यूज़ कर रहे हैं एक थोड़ा सा सेंसिबल व्यक्ति में और दूसरा एक नॉन सेंस में यही थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि आप आपको इंग्लिश का वर्ड आपने कहीं से पढ़ लिया और आपने एक्सक्यूज मी बस देके मारना है कहीं कि एक्सक्यूज मी अब आपको मतलब नहीं आपने तो इंग्लिश बोल दी जितनी आती थी खत्म कर दी सब तो ऐसे ना करें इसीलिए इंग्लिश या तो प्रॉपर सीखें अदरवाइज आप हिंदी बोलें वो ज़्यादा बेटर है अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि एक्सक्यूज मी का जो टोन है वो अलग अलग सिचुएशन में आपको यूज़ ही एक्सक्यूज़ मी तब करना है जब आप हल्का सा किसी को डिस्टर्ब करना है ठीक है कोई बोल रहा है ठीक है आपको बीच में कुछ और बात बोलनी है तो आपको रोक उस तो समय भी आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज है ना या आप बोल रहे हैं बीच में से कोई बोल रहा है तब भी आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज प्लीज लेट मी फिनिश है ना मुझे पहले खत्म करने दो ठीक है और भी लाइफ में कितनी भी सिचुएशन आती है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा भी किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं आप एक्सक्यूज मी बोल सकते हैं ठीक है और किन सिचुएशंस में कैसी टोन रखनी है वो मैंने अभी एग्जांपल से बताया आपको और क्या बैठे देखो सॉरी हो गया है ना आपका थैंक्स हो गया आपका थैंक्स के रिप्लाई भी मैंने अभी ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिए हैं आपको फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैंशन नॉट हम बोल देते हैं इट्स ओके बोल देते हैं है ना और अगर हमसे कोई बड़ा व्यक्ति थैंक्स बोल रहा है तो हम बोल देते हैं इट्स माय प्लेजर मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ यह आपकी सहायता करके थैंक्स की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है है ना ऐसा बोल सकते हैं इट्स माय प्लेजर विद ग्रेट विद ग्रेट प्लेजर हम ऐसे भी बोल सकते हैं है ना मुझे बड़ा सौभाग्य है कि मैंने मैं आपके काम आया है ना और नॉर्मल में हम बोल देते हैं मैंशन नॉट आपको कोई कहने की जरूरत तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है ओके हम सॉरी का भी रिप्लाई ऐसे करते हैं ना थैंक्स का जैसे हम थैंक्स का करते हैं वैसे सॉरी का रिप्लाई होता है किसी ने सॉरी बोला है ना देख थोड़ी बोलते हैं कि अच्छा माफी मांग जाओ माफ किया तुम्हें ऐसा नहीं बोलते उसमें बोलते हैं इट्स ओके कोई बात नहीं है चलो हो गया गलती उसका ये रिप्लाई होता है और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करने चाहिए जैसे ओबियसली ओबियसली का मतलब होता है स्पष्टता मतलब ये शुद्धि का वर्ड है वैसे स्पष्टता का मतलब बिल्कुल क्लियर है ये तो जैसे मैं बोलूँ कि एक प्रोडक्ट में ख़रीद के लाया और उस प्रोडक्ट की क्या है वारंटी है सपोज थ्री ईयर अब सामने वाला आपसे पूछता है कि यार ये दो साल में रिप्लेस तो हो जाएगा ना या ये रिपेयर हो जाएगा तो आप बोलोगे ओब्वियसली इसकी तीन साल की वारंटी है तीन साल की गारंटी है इसकी ओब्वियसली क्या बात मतलब है हाँ स्पष्ट है तो हो ही जाएगा जब वारंटी है तो इस साइज़ में जब हम बोलते हैं उस केस में हम क्या करेंगे ओब्वियसली ओब्वियसली ठीक है तो इस वर्ड को भी आप डेली लाइफ में यूज़ किए जहाँ भी आपको लग रहा है आपको ऐसा बोलना है यस ओब्बियसली अगर कोई पूछता है कि भाई आर यू कमिंग इन टू नाइट इन द पार्टी क्या आप आज रात की पार्टी में आ रहे हो तो आप बोलोगे यस अगर आप रियली में ऐसा हो ठीक है आप बोल सकते हो ओब्बियसली आई एम कमिंग आई हैव ऑलरेडी बुक माई टिकट्स आई हैव ऑलरेडी बुक माई कैब ठीक है कि आप रात की पार्टी में आ रहे हो हाँ यस यस अरे मैंने कैब भी बुक कर दिया भाई आ रहा हूँ मैं तो आप कैसे करेंगे ओब्बियसली आई एम कमिंग आई हैव बुक माई कैब ठीक है ऐसे हम इसको यूज करेंगे ओबियसली को एक और वर्ड है इन फैक्ट अब देखो इन फैक्ट जो वर्ड है ये मूवीज में सीरियल्स में आप बहुत सुनते हो इन फैक्ट का मतलब तथ्य मतलब यानी कि बात बिल्कुल सच है उस सेंस में यूज करते हैं या अगर शुद्ध हिंदी में मैं कहूं, इसका बहुत इनफैक्ट तो है, है। इस आप, आप इसको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं देखो मैंने अभी बोला ना इनफैक्ट आप इसको डेली लाइफ में यूज कर सच तो यह कि आप डेली लाइफ में इसको खूब यूज कर सकते हैं गॉट माई पॉइंट्स तो आज से ही सॉरी थैंक्स और इनके प्रॉपर तरीके ठीक है और आपका ओबियसली इनफैक्ट कम से कम इन वर्ड्स को तो आप डेली लाइफ में ले आइए अब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको आप आगे इनको यूज करते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए कमिंग वीडियोज में मैं टेंसेज और आपके जो बिल्कुल मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स यू नो इन सब का यूज़ बताऊंगा आपको ग्रामर नहीं पढ़नी है आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप ज़्यादा ग्रामर पे फोकस यहाँ पर ना करें टेंस का क्या फंडा है वो भी मैं आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा बहुत ईजी मैनर में जो बारह टाइप के टेंस लोग पढ़ते हैं उसकी जरूरत नहीं है सिर्फ तीन टाइप में आपको पूरा टेंस क्लियर हो जाएगा बेसिक क्या है वो आपको क्लियर होगा सो कीप वॉचिंग एजुकेटिव सेंस एंड फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम एज एर ऑन यूट्यूब थैंक्स फॉर बींग विद मी गुड डे